गाइस कैसे आप सब। तो आज हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ दोबारा से। तो ये अपनी एक्टिवा 125 खड़ी हुई है। तो आज हम इसमें छोटी सी है ना मॉडिफिकेशन करने वाले हैं सिंपली। और जैसे कि मॉडिफिकेशन में अगर बताऊं तो ये देख रहे हो अभी कैसे टायर हो रहे हैं। ये देखो सिंपल सी है बिल्कुल, मतलब अभी मतलब टायर में कोई ऐसा सच मतलब कोई लुक नहीं आ रहा। तो आज हम इसी लुक को जो है ना इन्हेंस करेंगे। और किसकी मदद से? ये भाई ग्रीन टेप है, ये बहुत मस्त मस्त लगता है। और इसको आज हम मतलब रैप करने वाले हैं, पूरा खुद से ही करेंगे, ठीक है ना। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। इसको स्टिकर होता है इसमें, इसको छोटा के लगाना होता है। तो अभी देख लो कैसा लुक हो रहा है और पूरी टाइम लैप्स में मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसी लगेगी एंड में। तो अगर वीडियो पर नया हो तो लाइक कर दो। और काफ़ी सारे जो अपने चैनल पर डिमांडिंग रहती है एक्टिवा की, तो एक्टिवा पर वीडियो आ गई है। और फिलहाल अभी बहुत गंदी हो रही है और इसका मैंने पीछे वाला ये भी निकाल दिया था, जैसे कि आप लोग को पता ही है। ये पूरा मैंने फेंडर निकाल दिया था क्योंकि वो टूट रहा था यहाँ से, तो यहाँ पे स्क्रैच वगैरह भी लग गए थे पिछली वीडियो में बताया था मैंने। तो अभी करते हैं इसका और दिखाते हैं आपको। भी शुरुआत करते हैं हमारे टायर से, ये पूरा रैप हुआ ऐसे, ये पूरी रैप ऐसे करके। पहले मैं जाना इसको सीजर से कट कर लूँगा आधा, मतलब नाप वाप लेके। अभी गाइस देखो मैंने इसको जो ना आधा टायर छोड़ दिया है, तो मतलब इतना पार्ट मैंने करा है। देखो मतलब अभी इतना पोर्शन छोड़ दिया है, तो अभी इतने पोर्शन के लिए क्या करना है, अभी इसको जो ना यहाँ से कट कर दूंगा पहले तो। और मैंने कट कर दिया इधर से, इसको लगा था। अब इतना स्पेस छोड़ के ना इतना गैप का मतलब जो है ना पूरा तो सही नहीं लगेगा, फिर वो जो है ना लुक ख़राब हो जाएगा थोड़ा। तो थोड़ा सा इसको इतना स्पेस छोड़ के फिर पूरा कवर कर देंगे। और इस पर जो है ना मिट्टी रख रही है यार, और मेरे पास जो है ना कपड़ा नहीं है साफ़ करने के लिए। अभी फ़िलहाल ऐसे ही हाथ से कर दिया मैंने, तो करते हैं भाई लुक एकदम मस्त आने वाली है लास्ट में। भाई देखो अभी कुछ ऐसा हुआ है, और अभी चारों साइडों पर पूरा ऐसे कर देंगे, पूरे उधर की साइड भी करना है उधर वाले अलग पे, तो उधर वाले अलग पे करते हैं। फाइनली हो गया अभी काम सारा। और एक बार ही लुक चेक करो भाई स्कूटी की, लुक देख रहे हो, मतलब टायर अलग ही दिख रहे हैं बिल्कुल नियॉन कलर के, एकदम अलग। और चारों साइड हो चुका है ये देख लो। इधर थोड़े कम टेप लग रही होगी लेकिन वो सही लग रही है, पूरे पे जाना फिर छाप के अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आधी आधी कर दी। बाकी अगर आगे करनी होगी तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी ये टेप कहाँ से मिली वो मैं बता देता हूँ। टेप आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे मॉडिफिकेशन दुकान से 50 रुपये की टेप मिल जाएगी आराम से, कोई भी रंग की, सफ़ेद लाल हरी जोन सी चाहिए हो सब मिल जाएंगी। और मैंने ये ली थी 50 रुपये में, ली थी मैंने भी ये। और ये देख लो एक बार, मस्त हो गया भाई लोग, इधर भी हो गई, मज़ा आया भाई। तो यही था आज की वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना कि भाई नेक्स्ट वीडियो कौन सी डाले, क्योंकि यार कुछ समझ नहीं आता वीडियो डालने का सीन। और अभी जो है ना थोड़ी एक्टिवा पे वीडियो डाल लेते हैं, बहुत R15 पे मोटर व्लॉगिंग हो गई, तो अभी एक्टिवा पे ही वीडियो डालेंगे। बाकी यार इसका एक सॉल्यूशन बताना यार, ये कैसे सही होगा। ये देख रहे हो ये गड्ढा हो गया भाई इसमें। अब मेरे को डर लग रहा है कि कहीं और कहीं मेरी स्कूटी गिरी ना, तो भाई इसका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर स्कूटी इधर से गिरती है ना, क्योंकि देखो एक बार गिर चुकी है, ये देखो ये लगा हुआ है निशान, तो पूरा इस पर ही आएगा लोड, पूरा इस पर ही। और देख लो भाई पूरी साइड से कहीं से भी कवर नहीं है, तो ये चक्कर है यार। तो अभी देखते हैं इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ लगवा लूँ, अब देखते हैं बाकी आगे वो तो। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।